नीमच में मिनी ट्रक ने सड़क किनारे खड़े पुलिस वाहन और पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में पुलिस वाहन के ड्राइवर और पिकअप सवार दो लोगों की मौत हो गई, वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। हादसा सागरण घाटी के पास महू नसीराबाद हाईवे पर हुआ है। बता दें, सुबह करीब 4:30 बजे पिकअप को सड़क किनारे खड़ा देखकर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम रुकी। पुलिस पिकअप सवारों से पूछताछ कर रही थी, इसी दौरान पीछे से आ रहे मिनी ट्रक ने टक्कर मार दी। फिलहाल ट्रक चालक फरार है। वहीं कलेक्टर हिमांशु चंद्र, एसपी अंकित जायसवाल और एएसपी नवल सिंह सिसोदिया घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। फिलहाल ट्रक चालक की तलाश जारी है। थाना क्षेत्र का मामला है जिसमें बीट क्रमांक 2 में पेट्रोलिंग करते हुए थाना मोबाइल और एक पिकअप गाड़ी है और एक आइशर ट्रक है, इन तीनों में एक्सीडेंट हुआ है। अभी तक जो चक्षुदर्शी हैं और जिन्होंने मौके पर देखा है, उनका ये कहना है कि इसमें जो पिकअप गाड़ी है और थाना मोबाइल है, ये खड़ी हुई थी और पीछे से एक आइशर ट्रक आया है जो हरियाणा पासिंग है, उसने पहले पिकअप को पीछे से टक्कर मारी है और उसके बाद जब पिकअप में थाना मोबाइल से टक्कर पड़ी है तो उस दौरान थाना मोबाइल पलट गई अभी तक की स्थिति में। और इसमें जो दो व्यक्ति जो उस पिकअप में जो इंदौर से अजमेर जा रहे थे और उसमें टोटल 7 व्यक्ति थे जिसमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है घटनास्थल पर ही, और पुलिस में जो एक प्राइवेट ड्राइवर था उसकी मौके पे डेथ हुई।